सुप्रभात सुप्रभात सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ ज्योतिका जी हैं। सुंदर योग साधना हमेशा की भांति शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से, वार्म अप क्रियाओं से। दोनों पांव सामने फैलाएंगे, दोनों हाथ बगल में पीछे की ओर रखेंगे, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटनों को, थाई को उठने नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामने, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाइए। चेहरे पर मुस्कान, कमर गर्दन यथासंभव सीधी करें जी, करें, सब लोग करेंगे, बिना कोई समय गंवाए करेंगे। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे, अपोजिट साइड में दोनों पंजों को खींचिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, करते जाइए करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। एक बार दाएं पांव की एड़ी अपने हिप से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी अपने हिप से लगाइए। मोड़िए अपने घुटनों को अल्टरनेट। कोशिश सभी करें कि एड़ी आपके हिप्स को टच करे। करते जाइए करते जाइए, पूरा प्रयास, प्रयास में कमी ना हो। हथेलियों का सहारा लेकर करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। दोनों टांगों से एक साथ करेंगे, करें जी करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी कोशिश कीजिए जी, थोड़ा और ज़्यादा प्रयास कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर, करें करें करें। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। विश्राम के वक्त आँखें बंद, दोनों पांव की एड़ियों को एक फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं, फिर छोटी उंगली बाहर की ओर लगाएं। इस प्रकार करते जाएं। सभी कीजिए सभी कीजिए, बहुत बढ़िया जी। करने से ही होगा, करने से ही फायदा मिलेगा। छोटी छोटी क्रियाएं धीरे धीरे बड़ा प्रभाव लेकर आएंगी। मिलाएंगे दोनों पांव, दोनों हाथ मुट्ठी बनाकर अपनी जंघाओं के नीचे, घुटनों के नीचे रखकर दोनों पांव की एड़ियों को एक साथ ऊपर उठाएं, दोनों पंजों को अंदर की ओर खींच लें। घुटने इस प्रयास में सीधे रहें, थाई इस प्रयास में टाइट हो जाए। कुछ पल रुकें, कमर को गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। रुकें रुकें रुकें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घुटने ना मोड़ें जी बिल्कुल भी। इसी अवस्था में पंजों को आगे तानिए, बाहर की ओर तानिए। पुनः एक बार पंजों को अंदर खींचिए, फिर रुकिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। फिर से सामने तानिए, एड़ी हवा में रहे जी, एड़ी हवा में। फिर से अंदर खींचिए, एक बार पुनः तानिए सामने, पुनः अपनी ओर खींचिए। रुकें रुकें रुकें, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, पंजों को ढीला छोड़ दें, श्वास को सामान्य करें। दाएं पांव को मोड़िए, दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर झूला झुलाइए,
दाएं से बाएं झूला झुलाइए, बाएं से दाएं झूला झुलाइए। सामने पांव का पंजा तना रहे, ज्योतिका जी की तरह। बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिए एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई पृथ्वी के बराबर हो, समानांतर हो। करें जी करें। बहुत बढ़िया, से पांव का जोड़ प्रभाव में पद्मासन लगाने में सहायक होगी क्रिया। कमर को यथासंभव सीधी रखकर करते जाएं, करते जाएं। कुछ साधकों का सामने पांव ढीला पड़ रहा है जी, सीधा कीजिए, तानिए। आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, आंखें बंद कर लें। क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। बाईं टांग को मोड़िए, स्टैंड बनाइए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाइए। बहुत बढ़िया जी, सभी ने अब की बार राइट पंजा तान के रखा हुआ है। बहुत अच्छा जी, सभी अपने घुटने को राइट पांव के घुटने के नीचे गैप नहीं बनने दे रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। मुस्कुराकर करते जाइए, कमर को भी थोड़ा यथासंभव सीधा रखिए जी। देखिए देखिए प्रभाव को, एड़ी की ऊंचाई थोड़ी सी और करिए। वेरी गुड, ये देखिए बढ़िया से हो गया। करें करें करें, थोड़ा घुमाव दें, कोशिश करें, थोड़ा और लेफ्ट साइड में जाएं, थोड़ा और राइट साइड में जाएं। वेरी गुड वेरी गुड, करने से होगा जी। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, हाथों को पीछे रिलैक्स, पंजों को दाएं बाएं लुढ़काएं, सामान्य श्वास, बटरफ्लाई करेंगे जी। दोनों एड़ियों को पास से पास लेकर आएं, दोनों पंजों को ग्रिप करके करें जी घुटने ऊपर नीचे, साथ में गर्दन को सीधा रखें, कमर को रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। और थोड़ी गुंजाइश है जी एड़ियों को अपने निकट लेकर आने की, कोशिश में कोई कमी नहीं हो। बहुत मुश्किल काम आप कर चुके हैं, सुबह सवेरे उठना, स्नान करके सामूहिक साधना के लिए तैयार हो जाना। जिसने ये काम कर लिया, सुबह की समृत वेला में उठ गया, उसके लिए बाकी सारे काम बड़े ही सुलभ होने वाले हैं। हर क्रिया उसके लिए सहज होने वाली है। अपने भाग्य को सराहिए, अपने आप के ऊपर प्राउड फील कीजिए। बहुत बढ़िया जी, ज्योतिका जी करते जाइए, एड़ियों को बिल्कुल आगे मत आने दें। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा कर दें, हाथों को साइड में रखकर विश्राम। आइए पद्मासन लगाएंगे जी, राइट लेग को मोड़िए पहले, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए, संभव हो पद्मासन लगाएं, अन्यथा अपनी सुविधा के अनुसार बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, रीढ़ गर्दन सीधी, मन को शांत करें, एकाग्र करें, अपने आप को पूरी तरह समेटिए, एकत्रित कीजिए, पूरा ध्यान आपका शरीर पर हो। अगला एक घंटा पूरी तरह आपने, शरीर तो है ही, साथ में मन को मस्तिष्क को भी केंद्र पर रखना है, कक्षा में रखना है। आइए तीन बार ओम ध्वनि करें, एक बार गायत्री मंत्र करें। सभी का साथ चाहिए, मुस्कुराकर श्वास लीजिए।
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, दोनों पांव को सामने फैला करके विश्राम दीजिए। बिल्कुल सामान्य हो जाएं, अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे, बैलेंस बनाएंगे, प्रयास जरूर करेंगे सभी लोग। पहले आप उपड़ू बैठें, फिर उसके बाद अपनी एड़ियों को उठा दें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें, कमर को यथासंभव सीधा करके सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी प्रयास करेंगे जी, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके करेंगे, रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। इस छोटी सी क्रिया से मेरे शरीर का बैलेंस बन जाता है, इस छोटी सी क्रिया से मेरी रक्त प्रणाली बेहतर हो जाती है, इस छोटी सी क्रिया से मेरी कंसंट्रेशन बनती है, फोकस बनता है, मन की चंचलता कम होती है। बहुत बढ़िया जी, ज्योतिका जी बहुत सुंदर, मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर जरूर होनी चाहिए जी। बहुत बढ़िया जी, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसी अवस्था में धीरे से बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं, दोनों हाथ नीचे, हल्की हल्की जॉगिंग करें जी, करें धीरे धीरे जॉगिंग करें, हल्का हल्का आसन पर आगे आएं, धीरे धीरे पीछे जाएं। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे, हाथ को ऊपर करके करेंगे, करें जी करें, हाथ ऊपर करके करते जाएं, करते जाएं। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, ज्योतिका जी बहुत ही उत्साह के साथ, वेरी गुड। आप भी ये उत्साह दिखाइए, पूरा प्रयास, आलस्य दूर हो रहा है, पूरा शरीर मेरा तैयार हो रहा है आसन करने के लिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, तनिक विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास, आंखें बंद, रिलैक्स, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, आसन करेंगे ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। पुनः एक बार एड़ियों को उठा दें, पुनः एक बार भुजाओं को खींचें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया जी, आने दीजिए आने दीजिए, सारी नस नाड़ियों में प्रभाव, 72,000 मांसपेशियां स्वस्थ होंगी। रुकें रुकें रुकें, रुकने से होगा जी लाभ। धीरे धीरे आएंगे वापस, सामान्य श्वास, आंखें बंद, केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, शरीर को राइट साइड में मरोड़ दें, ट्विस्ट कर दें, बैंड नहीं होना, झुकना नहीं, आपको केवल और केवल शरीर को ट्विस्ट करना है, पंजे को बिना हिलाए, भुजाओं को कान से अलग किए बिना। रुकिए रुकिए रुकिए, गर्दन साथ साथ घूमेगी जी। धीरे धीरे मध्य में आकर लेफ्ट साइड में ट्विस्ट दे दीजिए, हर प्रयास पिछले प्रयास से बढ़िया,
वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों भुजाओं को तानते हुए बगल से नीचे लेकर आएंगे, बगल से हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, एकदम रिलैक्स, बैलेंस बनाएंगे जी। अपने दाएं पांव को एल शेप में लेकर दोनों भुजाओं को सामने की ओर, या जैसे आपको कंफर्ट लगे भुजाओं को रखें, पांव की शेप एल समान हो, पंजा तना हो, गर्दन कमर सीधी हो। वेरी गुड, एक पांव पर कितना सुंदर बैलेंस, थाई बिल्कुल स्ट्रेट हो, पृथ्वी के पैरेलल हो। ठहरे 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 जी, वेरी गुड वेरी गुड। मुस्कुराहट जरूर रखें जी, तनाव नहीं बिल्कुल भी। वेरी गुड, दीपिका जी भी देखिए, ज्योतिका जी की सिस्टर, कितना बढ़िया देखिए प्रदर्शन। धीरे धीरे आएंगे वापस, इसी क्रिया को मुस्कुराकर करेंगे। बाईं टांग से लेफ्ट पांव को उठाइए, पुनः एक बार पंजे को तानिए, थाई को बिल्कुल सीध में रखिए। अगर एक क्वाइन रखा जाए, वो क्वाइन ना गिरे, ऐसा हमारा अभ्यास हो, समय बढ़ाना है उसके अंदर हमने। धीरे धीरे हाथ की पोजीशन अपनी सुविधा के हिसाब से हो, लगातार मुस्कुराहट हो, ईश्वर का बार बार आभार व्यक्त करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, तनिक विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे, घुमाएंगे जी दोनों हाथों को। वेरी गुड वेरी गुड, करें जी करें करें, गर्दन नहीं झुकानी जी। अब एक हाथ आगे लेकर आएंगे, एक पीछे लेकर आएंगे, इस प्रकार घुमाएंगे, एक बार राइट हैंड आगे आए तो लेफ्ट हैंड पीछे जाए, करें जी करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब रिवर्स करेंगे इसी क्रिया को, सभी करें जी सभी करें, मुस्कुराकर करें, आंख बंद करके करें, खींच के करें जी, कोहनी बिल्कुल भी ना मुड़े, पूरी मस्ती के साथ। धीरे धीरे आएंगे वापस, तनिक विश्राम लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए, बिल्कुल सामान्य हो जाएं। त्रिकोण आसन भाग टू करेंगे, 21 जून को इस आसन का भी अभ्यास करवाया जाएगा। दोनों पांव में कंधों से ज़्यादा फासला, दोनों हाथ साइड में 180 डिग्री पर, बहुत बढ़िया। अब अपने राइट पंजे को बाहर की ओर साइड में घुमा दें, वेरी गुड। हाथों की पोजीशन ऐसे ही रहेगी, 180 डिग्री पर रहेगी पूरी क्रिया के दौरान। श्वास को भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें, गर्दन लेफ्ट साइड में आकाश की ओर, एक भुजा आकाश की ओर हो जाए, एक भुजा टकने की ओर, लेकिन 180 डिग्री बनी रहे भुजाओं की स्थिति, बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया। ऊपर अपने जो हाथ के अंगूठे को या मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें, ऊपर वाली हथेली को सामने कर लें, करें करें करें, मुस्कुराएं जी। रुकिए रुकिए रुकिए, घुटने बिल्कुल ना मुड़े जी, बस शरीर आगे की ओर बिल्कुल ना झुके, साइड से चर्बी कम होगी, पैनक्रियाज स्वस्थ बनेंगी, कंधों में मजबूती आएगी। धीरे धीरे आएंगे वापस इसी अवस्था में, अब श्वास भरिए एक बार फिर से और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें, बायां पंजा बाहर की ओर, करें करें करें, गर्दन राइट साइड में झुके जाएगी जी। ऊपर की ओर देखिए, अपनी हथेली को सामने करना है जी, और देखिए अपने मध्यमा को, नीचे वाली कलाई मुड़ रही है जी, कलाई मत मोड़िए नीचे हाथ की, बहुत बढ़िया वेरी गुड। हथेली सामने, वेरी गुड, और कलाई सीधी जी, कलाई सीधी, रुकें रुकें रुकें,
बहुत बढ़िया। बगल में प्रभाव को देखिए, लीवर पर खिंचाव, मेरी पसलियाँ स्वस्थ हो रही हैं। ठहरिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजाओं को खींचिए और तानते हुए भुजाएं शरीर के साथ पाँव में दूरी सुविधा के अनुसार। रिलैक्स, आंखें बंद, मुस्कुराइए, सामान्य श्वास। थोड़ा अपने हाथों को खोलिए, बंद करिए, करिए करिए करिए। थोड़ा फिरकी चलाइए, जैसे अपने कंधों को प्रभावित करते हैं। पीछे लेकर जाएं कोहनियों को झटके से। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से करें जी, सब लोग करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करने से होगा जी, देखने से कुछ नहीं होगा। जितना आप उत्साह रखेंगे, जितना खुश होकर करेंगे, उतना अधिक लाभ। आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। बिना रुके 5 बार उठक बैठक शुरू करेंगे। 1, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5, वापस। आ जाएं जी आसन के अगले हिस्से पर, आ जाएं। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आप को तैयार कर लें, श्वास को सामान्य कर लें, हाथों को, पंजों को थोड़ा रिलैक्स होने दें। एकदम जब तैयार हो जाएं, श्वास सामान्य हो जाएं, एड़ियों को मिलाएं, पंजों को खोलें, दोनों हाथ शरीर से चिपकाएं, आंखें कोमलता से बंद करके पहली स्थिति नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। ध्यान को लेकर जाएं अपने अज्ञा चक्कर पर, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। यहां पर ध्यान लगाने से तनाव दूर हो जाता है। योग में स्वतः ही रुचि बनने लगती है। भगवान सूर्य का आह्वान मेरे पश्चात आप पूरे परिवार के साथ करेंगे। ॐ सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को आकाश की ओर लेकर चलें। खींचें एक बार, अधिक से अधिक। हल्का आर्क बनाइए, कलाई को सीधा रखिए जी, कलाई को बिल्कुल भी ना मोड़ें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगातार प्रयास, पांचों उंगली मिली रहे, चेहरे पर प्रसन्नता रहे, घुटने भी बिल्कुल सीधे रहें, थाई की मांसपेशियां भी टाइट रहें जी। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, धीरे धीरे झुकें, साथ साथ पेट को भी संकुचित करें। कोशिश करें मेरी हाथ की उंगलियां आसन को टच करें, कोशिश करें मेरा घुटना बिल्कुल सीधा रहे। मणिपुर चक्कर पर ध्यान लगाना है, ठीक नाभि के पीछे होता है, रीढ़ के ऊपर। मणिपुर चक्र पेट के रोग दूर रहते हैं, मोटापा कम होता है, पांव की मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं। लेकिन रुकने से होगा, प्रतिदिन जुड़ने से होगा। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएंगे, जितना संभव हो पीछे लेकर जाएं। पूरी हथेली आसन पर जमाने की कोशिश करेंगे जी, गर्दन पीछे से पीछे, माथा आकाश की ओर। जितना पंजा पीछे जाएगा, स्वतः ही स्थिति अपने आप बढ़िया बनेगी। ठहरें 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 जी, कोशिश ज़रूर करें जी। आधा पेट खिंचा हुआ, आधा पेट दबा हुआ, बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। स्वादिष्ठान चक्कर
प्रभाव में है। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं, पूरी हथेली आसन पर जमाकर एक्यूप्रेशर के लाभ लीजिए। उंगलियों को मत खोलिए जी, ठुड्डी कंठकुब में वेट मत कीजिए, सबते ही आपकी ठुड्डी कंठकुब से लगे ताकि थायराइड ग्रंथियां मेरी प्रभाव में आए। बहुत बढ़िया जी ज्योतिका जी, मुस्कुराकर आंखें बंद करके रुकना, थोड़ा हो सके तो पेट को भी अंदर सिकोड़ के रुकना, एड़ी लगे ना लगे लेकिन कोशिश लगातार जारी रखना। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रयास सभी साधक साधिकाओं का। सोचिए पहले दिन हम कभी लगता भी नहीं था कि ऐसे मुश्किल क्रियाएं भी होंगी, और अब कितनी सहज सुलभ हो गई अभ्यास द्वारा। श्वास भरते हुए राइट लेग राइट पंजा दोनों यहीं से पैरेलल आएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आएंगे, रुकेंगे एक सीध में पूरा शरीर, आंखें बंद रहे, कंधों में मजबूती, कंपन ना हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी ज्योतिका जी, बहुत ही स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, एकदम पूरी तरह स्टैचू की तरह। आएंगे अगली स्थिति में अष्टांग प्रणाम में, कोशिश करें मेरी नाभि आसन को टच ना करे, कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी। माथा लगाना है आपने, लेकिन कुछ साधकों को कई बार माथा लगाने से श्वास लेने में दिक्कत होती है, घबराहट होती है, वो ठुड्डी लगा लें, लेकिन प्रयास द्वारा धीरे धीरे हमने माथा ही लगाना है जी। कोशिश करनी है, सही स्थिति हमने करनी है। कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है जब मेरा आज्ञा चक्कर धरती माँ को स्पर्श करे, तनाव दूर, आनंद ही आनंद, पूरी तरह सुरक्षित माँ की गोद में। मुस्कुराइए, आगे से धड़ को उठाइए, कोहनियों को खोलिए, पीछे पंजे ना खुलें, पंजे मिले रहें, खड़े रहें। बहुत बढ़िया जी, देखिए कितना अच्छा प्रयास आपको, कितनी बढ़िया साधना आपको करके दिखाई जा रही है। रेगुलर साधिका ज्योतिका जी बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ वजन भी इन्होंने काफ़ी कम किया है। रुकें, रीढ़ के ऊपर ध्यान को लगाइए, मूलाधार चक्कर प्रभाव में, पेट पर खिंचाव को महसूस कीजिए। मुस्कुराकर अगली स्थिति में आएंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाकर फिर से एक बार, रिपीट हो रही है स्थिति, पुनः एड़ी एक बार आसन पर। रुकें जी, हथेलियों पर अच्छे से प्रेशर दें जी सब लोग। बहुत बढ़िया, कोई मुश्किल नहीं है जी, वेरी गुड। क्या बात है जी, अब तो हमारे ज़्यादातर साधक साधिकाओं की एड़ी आसन पर लग रही है। मुस्कुराते हुए राइट पंजे को ले आएं दोनों थैलियों के मध्य में, एक बार में ना आए दूसरी बार प्रयास करना चाहिए, लेकिन कोशिश ज़रूर हो कि 15 उंगलियां एक लाइन में आएं, हथेलियां पूरी तरह जमें, पीछे घुटना हवा में रहे, धीरे धीरे गर्दन भी इतनी पीछे हो जाए कि माथा आकाश की ओर आ जाए सवते ही। बूंद बूंद से सागर भरता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो देखिए अभ्यास द्वारा कितनी आगे हम बढ़ चुके, और इस मार्ग पर हमने आगे जाना है।
दूसरी टांग भी लेकर आएं, पुनः घुटनों को सीधा करें, फिर से कमर को थोड़ा झुकाएं, पेट को अंदर खींचें, और महसूस करें कि जो स्थिति मेरी तीसरी स्थिति थी और ये मेरी दसवीं स्थिति है, दोनों में अंतर महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्योतिका जी भोजन पर भी विशेष ध्यान देती हैं, आप भी ध्यान दीजिए। 7 बजे के अराउंड आप शाम का डिनर कीजिए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। ऊपर ले चलें भुजाओं को, आकाश की ओर लेकर चलें, आर्क बनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंफर्ट से आगे बढ़िए जी, शरीर की क्षमताओं को पहचानिए। बहुत इसके अंदर क्षमता है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। वेरी गुड जी ज्योतिका जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। कितना अच्छा लगता है जब हम 12 स्थितियां करके प्रणाम मुद्रा में अज्ञा चक्कर पर ध्यान लगाते हैं। कितना सुकून, ऊर्जा से ओतप्रोत मेरा पूरा शरीर। करें भगवान सूर्य का धन्यवाद, बिना आँख खोले आसन पर लेट जाएं। कोशिश करें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े, अंदाज से ही अपने आसन पर लेट जाएं। दोनों पांव को 1 फीट के करीब खोल दें, हाथों को हथेलियों को शरीर से 1/2 फीट के करीब अलग कर दें। चेक करें अपने मन की आँखों से, कहीं ऐसा तो नहीं किसी अंग में तनाव है, ऐंठन है। अगर ऐसा लगे उस पर ध्यान लगाइए, और केवल सोचने मात्र से वो अंग भी आपका शिथिल हो जाएगा। सुबह उठकर उषा पान जैसे हमारे को गुनगुना पानी 2 से 3 गिलास पीना चाहिए। जिनका मोटापा ज़्यादा है उनको शहद और नींबू डाल करके पीना चाहिए। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके ही आपको इस योग मंदिर में जुड़ना चाहिए। जो साथी बाद में जुड़ते हैं, थोड़ा और लेट हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन स्नान करके जुड़ें, बहुत अधिक महत्व है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ज़रूर व्यक्तिगत प्रार्थना, 1 बार 3 वीक के लिए एक्सपेरिमेंट अवश्य अवश्य करें। पहला सुख निरोगी काया, शरीर से बड़ा कोई धन नहीं, यही हमारे अंतिम श्वास तक साथ देने वाला है। इसके ऊपर आप काम कीजिए, इसके लिए समय निकालिए। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, मुस्कुराते हुए राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। बहुत बढ़िया जी, थोड़ा सामान्य कर लें, पांव को हाथों को रिलैक्स कर लें, बिल्कुल सामान्य श्वास। दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखें, दोनों पांव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। आगे घुटने मिले हुए, पीछे पंजे आपके, पांव के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, शरीर बिल्कुल सीधा है, हथेलियां घुटने के पास थाई पर, एकदम सामान्य श्वास।
गर्दन की क्रिया करेंगे। इसी अवस्था में बैठकर वज्रासन का लाभ लेते हुए मुस्कुराते हुए ठुड्डी को लगाएंगे कंठकूप से, मध्य में लाकर गर्दन को लेकर जाएंगे पीछे से पीछे। केवल गर्दन की मूवमेंट होगी जी। उन्हें एक बार मध्य में लाकर ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, एक बार फिर से पीछे लेकर जाएंगे। उन्हें मध्य में आए, आंखें नहीं खोलनी, सामान्य होकर ले चलें अपनी ठुड्डी को दाएं कंधे की ओर, राइट साइड में कंधे की ओर घुमाइए गर्दन को, मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में घुमाइए। पुनः एक बार राइट साइड में लेकर चलें, गति कम हो जी, जल्दी नहीं करनी, झटका नहीं देना, मुस्कुराहट बना के लेफ्ट साइड में जाएं। पुनः एक बार मध्य में आकर तनिक विश्राम लें। अब की बार अपने दाएं कान को दाएं कंधे के ऊपर लेकर जाएं, कंधे को ना उठाएं जी, कान जाएगा कंधे के पास, कंधा नहीं उठेगा। मध्य में आएंगे, लेफ्ट साइड में गर्दन को धीरे धीरे मोड़ेंगे। कोई भी साधक साधिकाएं गर्दन की किसी क्रिया में जबरदस्ती ना करे, जरा सा भी झटका ना दे। पुनः मध्य में आकर एक एक आवृत्ति और दोहराइए। लेफ्ट साइड में भी कीजिए और फिर से एक बार विश्राम लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। देखिए वज्रासन का लाभ और साथ में गर्दन की सूक्ष्म क्रिया। क्लॉकवाइज घुमाएंगे दो बार और फिर दो बार घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। गति कम, घेरा बड़े से बड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, सभी करिए। कुछ मेरे वरिष्ठ साथी हैं, हो सकता है आपसे सारी क्रियाएं ना हों, लेकिन कुछ क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। गर्दन की क्रिया भी उनमें से एक है। धीरे धीरे आएंगे वापस, तनिक विश्राम लेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट कितना रस घोलती हुई। सामान्य श्वास, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। राइट पांव सीधा रहेगा, राइट हैंड सीधा रहेगा, लेफ्ट पांव लेफ्ट हैंड मुड़ेगा। शिथिल आसन दाईं ओर कर रहे हैं जी हम। इस आसन के करने से बीपी मेरा, हाई बीपी मेरा सामान्य होता है। अब हम करेंगे भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों थैलियों को कंधे के निकट दाएं बाएं रखें, माथा रखें पृथ्वी पर। शब्दों पर ध्यान देंगे, पांव एड़ियां पंजे घुटने बिल्कुल ना खुलें जी। जहां भी खुलने लगे वहीं रुक जाना है आपने। धीरे से ठुड्डी को लगाइए आसन पर, गर्दन को धीरे से उठाइए पीछे कीजिए और साथ साथ अपनी चेस्ट को उठाइए। हथेलियों पर वजन मत डालिए, हथेलियों पर वजन मत डालिए जी, केवल पेट के ऊपर वजन आएगा, नाभि के इर्द गिर्द वजन आएगा, गर्दन पीछे रहेगी।
पांव नहीं खुले जी, हथेली पर वजन नहीं आए जी। रुके रुके रुके, जरूर प्रयास करें जी, हथेली पर केवल नाम मात्र का भार होना चाहिए। भुजंग आसन है, भुजंग का मतलब सर्प, सांप, स्नेक। तो जैसे भुजंग अपना फन उठाता है, ऐसे मैंने पेट के बल आगे से धड़ को उठाना है। सामान्य श्वास में रुके रहें जी, आने दे कमर पर प्रभाव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ज्योतिका जी, बहुत अच्छा प्रयास है। थोड़ा मन बनाइए और कोशिश कीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे, आराम आराम से, पहले आपकी चेस्ट लगेगी, फिर आपकी ठुड्डी लगेगी, अंत में फोरहेड, माथा लगेगा। शिथिल आसन लेफ्ट साइड में, एकदम सामान्य हो जाएं जी, बिल्कुल सामान्य हो जाएं। मुड़े हुए पांव की थाई इतनी ढीली कि आसन को छुए, मुड़े हुए हाथ का कंधा इतना ढीला कि आसन को छुए, इसी का विपरीत आसन करेंगे, सलभ आसन करेंगे। अभी आगे से धड़ उठाया, अब की बार पीछे से पंजों को, घुटनों को उठाएंगे। स्थिति लें, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, ठुड्डी आसन पर, ठुड्डी को नहीं लाएंगे जी, पंजों को लिटा दें। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को उठा दें, धीरे धीरे उठा दें। थाई अवश्य उठाएं जी, पंजों को लगातार ताने जी, ठुड्डी मत उठाइए जी, कुछ साधक ठुड्डी ला रहे हैं जी, मत हिलाइए ठुड्डी को। पांव को उठाना, बहुत ज़्यादा उठाना महत्वपूर्ण नहीं, जितना महत्वपूर्ण है कि घुटने सीधे रहें, जितना महत्वपूर्ण है कि मेरी थाई अवश्य उठे। और ये तभी संभव होगा जब आप पंजों को तानेंगे। आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन आपने प्रसन्नता बनानी है जी, आपने मुस्कुराहट बनानी है जी, आपने आँखें बंद रखनी है जी। ठहरे 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 जी, दोनों एक दूसरे के पूरक आसन हैं, भुजंग आसन, सलभ आसन। धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आएंगे, सामान्य श्वास में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सुंदर साधना आपकी चल रही है, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप पूरे परिवार के साथ प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। आइए विपरीत करनी क्रिया करेंगे जी, दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, दोनों थैलियां मिला के रखें, पंजों को तान के रखें, शब्दों पर चलेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। पेट को कम करने के लिए बहुत उत्तम, धीरे से अपनी एड़ियों को 30 डिग्री पर ले आएं। रुके यहाँ पर, पांच की काउंटिंग में, 1, 2, 3, 4, 5, 60 डिग्री पर लेकर आएं, पुनः रुकें, 1, 2, 3, 4, 5, 90 डिग्री पर लेकर आएं, बहुत बढ़िया जी ज्योतिका जी, फिर से रुकें, 1, 2, 3, 4, 5, अब अगर संभव हो तो 120 डिग्री पर लेकर आएं, थोड़ा अपने हाथों से सहारा दे दें, थोड़ा पीछे लेकर जाएं पंजों को, 1, 2, 3, 4, 5, फिर से 90 डिग्री पर, 1, 2, 3, 4, 5, 60 डिग्री पर, 1, 2,
तीन चार पाँच 30 डिग्री पर, एक दो तीन चार पाँच, बिल्कुल आराम से रखें जी। हाथों को आगे ले लें, हाथों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल हथेली को आकाश की ओर कर सकते हैं, पंजों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए और देखिए अपनी नाभि पर आए हुए असर को, देखिए अपने छोटी आंत बड़ी आंत पर आए हुए प्रभाव को, देखिए अपनी कमर पर आए हुए प्रभाव को। अगर आप मोटापे को घटाना चाहते हैं, इसे अपनी व्यक्तिगत साधना में शामिल करें, कितनी अच्छे से हलचल हुई आप खुद सोचिए। अगर अब प्रतिदिन करें, क्या मेरे शरीर में मल जमा रहेगा? कॉन्स्टिपेशन खत्म क्यों नहीं होगी जी? लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा। सामान्य श्वास में रुकें, आंखें बंद करके रुकें, मरकट आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं जी, सभी करेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला लें 180 डिग्री पर, अपने राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर, भुजाओं को खींचें, पंजों को तानें, अब उठे हुए पांव को बाईं हथेली की ओर ले चलें, लेफ्ट हथेली की ओर, और गर्दन साथ साथ राइट साइड में लेकर जाएं। पांव का घुटना किसी भी पांव का मुड़े नहीं जी, पंजे दोनों पांव के तने रहें जी, कोहनियां दोनों हाथों की आसन पर जमी रहे, टिकी रहे, कोशिश करनी है। गर्दन आपने राइट साइड में जरूर मोड़नी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी गर्दन के साथ। ऊपर वाला जो पांव आप लेके गए हो लेफ्ट साइड में, उसको आसन पर टच कर सकते हैं। ठहरें ठहरें ठहरें, अब भी कोई साधक हमारे देख रहे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए, देखने से कुछ नहीं होगा जी। जितनी मर्जी आप कैसेट रख लीजिए घर में, पुस्तकें रख लीजिए योग की, लेकिन होगा करने से। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजाओं को खींचें, पंजे को ताने, और धीरे धीरे पांव को आराम से नीचे ले आएं। रिलैक्स रिलैक्स, पुनः मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, भुजा पांव को ताने लेफ्ट साइड के, एक बार लंबाई दें, चेक करें कहीं मेरे घुटना में खम तो नहीं आ गया, कहीं मेरे राइट पांव के घुटने के नीचे ज़्यादा गैप तो नहीं आ गया। वेरी गुड, देखिए जी अब सही हो गया ना जी। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें राइट हैंड की ओर, गर्दन को साथ साथ ले चलें लेफ्ट साइड में बाईं ओर। करें करें करें, बहुत ही बढ़िया ज्योतिका जी, क्या बात है, सबसे अच्छा ज्योतिका जी, देखिए हमेशा पूरा 100% देती हैं जी, और उसी का ये नतीजा है, रिजल्ट है कि इन्होंने वजन भी कम किया अपना, और शरीर का लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी तो आप देख रहे हैं। कितने मुश्किल आसन भी कितनी सरलता के साथ कर रही हैं, कितनी देर तक कर रही हैं, मुस्कुराकर कर रही हैं, पूरी परफेक्शन के साथ कर रही हैं। आपका वजन कम है ज़्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में कितना लचीलापन है, भोजन आपका कितना अच्छे से पचता है, डाइजेशन आपका कितना बढ़िया है, इससे आपकी स्वस्थता पर पता लगेगा जी, उम्र से पता नहीं लगेगा जी। रुकें रुकें रुकें, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानिए भुजा को और खींचिए पांव को ऊपर, और तानते हुए धीरे धीरे
एड़ी को फूल की तरह नीचे लेकर आएं, हाथों को आगे ले लें, शवासन, दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, 1 फीट की दूरी करें जी एड़ियों में, हाथों को ढीला छोड़ दें, श्वास को सामान्य करें। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है लेकिन भुजाओं में, शरीर में लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप जवान हैं जी, युवा हैं जी, और उम्र चाहे आपकी 25 साल हो, 30 साल हो, लेकिन आपके घुटने मुड़ते नहीं, कमर में दर्द है, तो मुझे लगता है कि आप जो है इतनी छोटी उम्र में ही बुजुर्ग हो गए हैं। तो आपने शरीर में लचीलापन जो है वो आपका युवापन है, वो आपकी जवानी है, और अगर आपकी बॉडी में शिथिलता है, पेन है, बीमार है, तो वो आपका बुढ़ापा है जी। तो आपने डिसाइड करना है जी, हमने युवा बनना है, जवान बनना है, या बस ऐसे ही चलने देना है। योग से बढ़िया कोई मार्ग नहीं जी, ना कोई खर्चा, ना कोई आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ना कोई मशीन चाहिए, केवल सुबह की समृत बेला में आपका समय चाहिए। संकल्प करें, प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे, आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं, हंसी के लिए पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में बैठें, इसमें कोई कंजूसी ना करें जी। जो बाद में जुड़े हैं, आसन भी नहीं किए, तो कम से कम जो मनुष्य को प्राप्त है ये हंसी का गुण, इसमें कोई कंजूसी मत करना जी। पूरे परिवार के साथ हंसना, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। वेरी गुड, हंसते जाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड दीपिका जी, नरेंद्र जी। पूरे परिवार के साथ और मस्ती भरी। अंतिम आवृत्ति। शांत, आंखें बंद। अब जो है अगले 20-22 मिनट आपने आंख नहीं खोलनी, समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक 6:45 पर क्लास को विराम दिया जाएगा। कमर को सीधा रखें, ये जो खिलखिलाहट चेहरे पर बनी हुई है, मुस्कुराहट होठों पर बनी हुई है, ऐसे ही बना के रखनी है जी आपने, पूरा दिन बना के रखनी है। जब भी जरा सी भी आपको कोई तनाव लगे, उदासी लगे, इस समय को याद कर लेना, इस हंसी को याद कर लेना। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ आज आगे करेंगे, सामने करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और झटके से वापस लेकर अपनी ओर लेकर आएंगे।
वापस, आंखें बंद रखें जी, हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें, लंग्स पर आए हुए प्रभाव को देखिए, हृदय पर आए हुए प्रभाव को देखिए, कंधों में आई हुई फ्लेक्सिबिलिटी को देखिए, बिल्कुल सामान्य श्वास, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया स्थिति सभी की। पद्मासन में, सुखासन में आ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरे वाला भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर। अब अंगूठे को हटाएंगे, राइट से ही श्वास को भरेंगे, राइट से ही श्वास को छोड़ेंगे। 10 बार करें जी, केवल राइट से श्वास को भरना, शक्ति लगाकर श्वास को भरना, शक्ति लगाकर छोड़ना। अधिक से अधिक श्वास भर लें, दोनों नासिकाएं बंद कर लें, भरे हुए श्वास में रुक जाएं, आंतरिक कुंभक में मूलबंध लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाएंगे, बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालें, ऑपोजिट साइड से श्वास को बाहर निकालें। हाथ को नीचे ले लें, थोड़ा सामान्य हो जाएं, आंखें बंद रखें। सर्दियों में जनरली कराया जाता है इसका, सर्दियों में हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं जी, ज़्यादा देर इसका अभ्यास करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने लंग्स को मजबूत बनाना है, इसलिए आपको इस मौसम में भी करा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करा रहे। फिर भी अगर किसी को घबराहट लगे, मुश्किल लगे, बेचैनी लगे, इसकी जगह कोई दूसरा प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम कर लें। फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर। सब कुछ वैसे ही करना है, लेकिन अनामिका को हटाना है। लेफ्ट से ही श्वास को भरें, लेफ्ट से ही छोड़ें, करें जी। अधिक से अधिक श्वास भर लें, दोनों नासिकाएं बंद कर लें जी, मूलबंध लगाकर रुक जाएं, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी करके रुक जाएं। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाइए, दाएं नोस्टल से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, बिल्कुल आराम से बाहर निकालिए। क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल ना करें जी। फिर से एक बार हाथ नीचे है, हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखनी है जी, शरीर को हमने हिलने नहीं देना है जी, खुश होके करना है। क्रिया करते वक्त चेहरे की आकृति ना बिगड़े, शक्ति उतनी ही लगाएं कि चेहरे पर सहजता बनी रहे। तीसरा चरण करेंगे इसका, फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर, मूलबंध लगाएं, राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। फेस पर तनाव नहीं नजर आए जी, माथे पर सलवट ना पड़े जी, शरीर को मत हिलने दे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट से श्वास को भर लें और दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। रुकें रुकें रुकें, आंतरिक कुंभक में रुकें, दोनों नोस्टल बंद करके रुकें, मूलबंध लगाकर रुकें। जब ना रुका जाए, लेफ्ट नोस्टल से बिना आवाज किए श्वास को बाहर करें,
पुनः हाथ नीचे, सामान्य श्वास, चौथा और अंतिम चरण। केवल 10 से 15 आवृत्तियां करेंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे, दोनों से ही छोड़ेंगे, हाथ अब की बार नहीं लेंगे अपनी जगह से। शुरू करें जी, मूल बंद लगाकर। अधिकाधिक श्वास भर लें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। रुकें रुकें, मूल बंद लगाकर रुकें। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें और बाह्य कुंभक में भी रुकें अब की बार। कुंभक खोलते हुए शांत, सहज अवस्था, सुंदर प्रभाव को देखें। सूर्य नाड़ी प्रभाव में आई, चंद्र नाड़ी प्रभाव में आई, पूरे शरीर को, सभी चक्रों को प्राण शक्ति मिली। इसका ज़्यादा अभ्यास ना करें जी, इस मौसम में तो बिल्कुल थोड़ा अभ्यास करें, केवल 10 आवृत्तियाँ, 8 आवृत्तियाँ, 12 आवृत्तियाँ बस। सर्दियों में इसका अवश्य अभ्यास करें, ज़्यादा अभ्यास करें। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी है, अंगूठे से दाई नोस्टल को बंद करें, अनामिका से बाई नोस्टल, अनामिका को हटाइए, बिना आवाज़ के श्वास को भरिए, अंगूठे को हटाकर श्वास को छोड़िए, दाएं नोस्टल से श्वास को भरिए, बाएं नोस्टल से श्वास को छोड़िए। एक आवृत्ति हुई है, सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। कमर झुका के बिल्कुल ना करें जी, सबसे पहले तो हम प्राणायाम करते हुए अपनी कमर को सीधा रखना सीखें। सबसे पहले तो प्राणायाम करने से पहले हम अपने होठों पर मुस्कान लाना सीखें। सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले हम अपनी आँखों को बंद रखना सीखें। अगर ये तीन चीज़ें आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पहले इनका आप अभ्यास कीजिए, सहज होकर अभ्यास कीजिए, सामान्य होकर बैठकर अभ्यास कीजिए। जब आपको लगे कि ये तीनों चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं, कमर को सीधा रखना, आँखों को बंद रखना, होठों पर मुस्कान बना के रखना, तभी आप प्राणायाम का अभ्यास करें जी। चेक कीजिए कहीं मेरे श्वासों की आवाज़ तो नहीं आ रही, क्या मैं इनको और सहज कर सकता हूँ। क्या इन श्वासों को मैं थोड़ा सा और लंबा बना सकता हूँ। क्या मेरा ध्यान इन श्वासों के ऊपर है। प्रश्न करना है जी आपने, क्या मेरा लेफ्ट हैंड जो हाथ नीचे है कहीं ऐसा तो नहीं उसकी ज्ञान मुद्रा की स्थिति गड़बड़ा गई हो। मैंने छल्ला बना रखा है अंगूठे से पहली उंगली से, क्या मेरी लास्ट की तीनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं
और खिंची हुई हैं, तनी हुई हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, उतना ही समय लगाकर आप ज़्यादा लाभ लेकर जाएंगे। क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं, एक शिक्षक होता है, पीरियड का समय बराबर होता है। एक बच्चा 100 में से 100 नंबर लेके आता है, एक बच्चा 100 में से 60 नंबर लेके आता है। सारा खेल ध्यान का है, फोकस का है, डेडिकेशन का है। कुछ हमारे नए साधक जुड़े, उनको जुड़े हुए 6 महीने हुए, 2 महीने हुए, और उनको लाभ ऐसे मिले कि कुछ साधक जो 5 साल से जुड़े हुए थे उनको भी इतने फायदे नहीं हुए। अम्बरीश मिश्रा जी लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ, 2 महीने उनको होने वाले हैं, पूरी तरह उनकी बीपी है, शुगर है, कंट्रोल में आ गया है जी, दवाइयाँ छूट गई हैं जी, 20 साल पुरानी, और केवल 2 महीने के अभ्यास से। करते जाएं जी, बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। लेकिन उन्होंने एक दिन भी नागा नहीं किया है, एक दिन भी वो बिना स्नान करे नहीं जुड़ रहे हैं जी। आँख बंद करके जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो कर रहे हैं, भोजन पर भी ध्यान दे रहे हैं। ज्योतिका जी आप देख सकते हैं, इतना बढ़िया, देखिए डेमो आपको पहले भी दिया, आप भी दे रही हैं, कितना चेंज कुछ ही समय में। मुस्कुराते रहें, बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़कर आवृत्ति को, प्राणायाम को विराम देंगे, हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेंगे, रीढ़ गर्दन को सीधा ही रखेंगे। आंखें मत खोलें जी, कुछ साधक, एक आध साधक आँख खोल देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें जी। जब प्राणायाम करके वापस आते हैं उस वक्त तो आँखें बंद करने का और ज़्यादा महत्व होता है। जो हमारे अंदर विशेष अनुभूतियाँ होती है उसको हमने देखना होता है, जुड़ना होता है, उसको एंजॉय करना होता है। आइए प्रभु का ध्यान करें, बड़े भाव से ध्यान करें, 11 बार ओम की ध्वनि करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे, पूरे परिवार की आवाज़ आए, मन ही मन बंद होठों में ना करें जी, भरेंगे श्वास।
शांत शांत हो जाएं, सहज हो जाएं, मन ही मन ओम नाम की गूंज फैलती रहे, ओम नाम के प्रभाव को महसूस करें। एक एक मेरे शरीर का अंग, एक एक मेरे शरीर की मांसपेशी इस ओम नाम से स्पंदित होती हुई, कितना आनंद, कितना लाभ, कितनी खुशी, इस सुबह की सुंदर अमृत वेला में खोए रहें अपने प्रभु के साथ, महसूस करें प्रभु का साथ। ऐसा महसूस करें जैसे प्रभु की गोद में हम हैं, प्रभु का हाथ हमारे सर के ऊपर, कितना सुकून, प्रभु ये आनंद कभी कम ना हो, प्रभु ये साथ कभी ना छूटे। अंतिम श्वास तक प्रभु मुझे आपका साथ चाहिए, बार बार यही प्रार्थना, बार बार यही पुकार, बार बार यही चरणों में विनती। प्रभु के इस दिव्य आनंद को, इस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में धारण करें। मुस्कुराइए, एक गहरा लंबा श्वास लीजिए और मेरे साथ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वे गं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। जिनके पास समय हो और थोड़ा प्रभु का ध्यान करें बिना आँख खोलें, बाकी साधक साधिकाएं दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। जो विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न हुई है इसे अपने मुखमंडल पर ध्यान करेंगे, पूरे शरीर पर ध्यान करेंगे, धीरे से नेत्रों को खोलेंगे, भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। आज की इस सुंदर कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का परिवार सहित कोटि कोटि धन्यवाद। ज्योतिका जी का, दीपिका जी का विशेष धन्यवाद, इतनी सुंदर आपको साधना का प्रदर्शन करके दिखाया। श्रीमान नरेंद्र जी का धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये क्लास आप तक पहुंच रही है। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, जिनकी गाइडेंस में ये सुंदर योगाभ्यास आप लोग कर पा रहे हैं।
कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे, 5:30 बजे मिलेंगे। समय से जुड़े, 5:30 का टाइम, 5:30 to 6:45। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हमारे बच्चे विशेष आपके सामने प्रदर्शन करेंगे, तो आप ज़रूर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस दिन जोड़ें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो जाए।